नाहन रोड पर चावला पैलेस के नजदीक टिप्पर ने मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में लेते हुए हिमाचल परिवहन निगम की बस को टक्कर मार दी। रविवार की सुबह हुई इस घटना में मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसकी पत्नी और बच्चों सहित बस में सवार आधा दर्जन लोग घायल हो गए। इस दौरान सड़क के दोनों ओर जाम लग गया, वाहनों की लंबी कतारें लग गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने बस चालक राजेंद्र की शिकायत पर टिप्पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। टिप्पर चालक घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार हिमाचल परिवहन निगम की बस जो चंबा से देहरादून जा रही थी, जैसे वह नारायणगढ़ काला अम्ब रोड पर स्थित चावला पैलेस के पास पहुंची तो सामने से आ रहे रेत से भरे ओवरलोडेड टिप्पर ने एक मोटरसाइकिल सवार के परिवार को अपनी चपेट में लेते हुए बस को टक्कर मार दी। टिप्पर पलटकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरा और बस भी क्षतिग्रस्त हो गई। बस में बैठी लगभग आधा दर्जन सवारियां घायल हो गई। मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ उसकी पत्नी और बच्चे घायल हो गए। बस चालक राजेंद्र ने बताया कि जैसे ही चावला पैलेस से कुछ आगे पहुंचा तो सामने से आ रहे तेज रफ्तार टिप्पर ने उन्हें टक्कर मार दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भिजवाया। अस्पताल में पहुंचने पर चिकित्सकों ने राकेश कुमार को मृत घोषित कर दिया। कई घायलों को सेक्टर 32 चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। दुर्घटना का शिकार हुआ मोटरसाइकिल चालक निवासी शहजादपुर राकेश कुमार अपने परिवार सहित माता बाला सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर में माता रानी के दर्शन करने जा रहा था कि मंजिल पर पहुंचने से पहले ही टिप्पर की लापरवाही के कारण काल का ग्रास बन गया। थाना प्रभारी सुरेश पाल ने बताया कि बस चालक राजेंद्र की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए घटना को अंजाम देने वाले टिप्पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सुबह सूचना मिली थी कि यहाँ पर डंपर का और एक बस का एक्सीडेंट हो गया। जब मैं सूचना पर घटनास्थल पर पहुँचा, घटनास्थल पर जैसे ही एक टिप्पर है ये कालियान की तरफ से आ रहा था और बस नारायणगढ़ की तरफ से जा रही थी, तो और उसके बीच में एक मोटरसाइकिल सवार जो अपने बच्चों को माता रानी के माथा टिकवाने के लिए शहजादपुर से चला था और कालियान में से नहीं जाना था तो लोग देवी पर पहले से अपने टिप्पर चालक ने मोटरसाइकिल चालक को टक्कर मारी है और फिर बस को मारी है। टक्कर लगने से जो मोटरसाइकिल चालक था राकेश कुमार, उसकी मौके पर डेथ हो गई है। उसकी पत्नी और दो बच्चों को सेक्टर 32 चंडीस बस हिमाचल डिप हो गया है। उनको कुछ मामूली चोटें ज़्यादा 5-6 लोगों को बताया दर्ज कर दिया है। ड्राइवर राजेंद्र कुमार जो बस चालक उसके लिए टिप्पर चालक फरार है, टिप्पर को कब्जे में ले लिया है। आज न्यूज के लिए नारायणगढ़ से धर्मवीर कौशिक की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।